जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के नियम सुन रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के नियम। बहुत सी गलतियां मनुष्य भोजन करते समय करता है, जिसकी वजह से उसे कष्ट भुगतना पड़ता है, बीमारियां भुगतना पड़ती है और वो बीमार पड़ता है। शरीर का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है। तो भोजन ग्रहण करने के नियम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका उल्लेख हम आपके सामने कर रहे हैं। माँ भगवती के चरणों में बारंबार बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। पांच अंगों को अच्छी तरह से भोजन करना चाहिए, पांच अंगों को धो करके अच्छी तरह से भोजन करना चाहिए। दो हाथ, दो पैर और एक मुख, इनको पहले अच्छे से धोना चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आपको बीमारियां नहीं लगेगी। गीले पैरों के साथ खाने से आयु में वृद्धि होती है, मतलब पैर गीले होना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल ही भोजन करने का विधान है, दोपहर में भोजन करने का नियम नहीं है। परंतु आजकल 90% घरों में तीन समय पे भोजन खाया जाता है। न जाने क्यों वेस्टर्न कल्चर चला आ गया कि साहब सवेरे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 12 एक बजे फिर भोजन करेंगे और फिर शाम को 4 बजे फिर ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर रात को जो है भोजन करते हैं। इससे शरीर में बीमारियां बढ़ती है। तो पांच अंगों, दो हाथ, दो पैर और एक मुख को धोकर अच्छी तरह से ही भोजन करें। गीले पैर सहित खाने से आयु में वृद्धि होती है और दो समय भोजन करना चाहिए, प्रातःकाल जब भी भूख लगे तब और सायंकाल ही भोजन करने का विधान है। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। बस शास्त्र ये कहता है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप भोजन कर सकते हो। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेतों को जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं किया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है, यानी बीमारियां लगती है, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। और बेडरूम में बेड पर बैठ करके अपने जिस जगह हम सोते हैं उस गादी बिस्तर पर बैठ करके, शैया जिसको बोला जाता है, उस पर बैठ करके भोजन नहीं किया जाता है। हाथ पर हाथ रखकर भोजन नहीं किया जाता है और टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह अशुभ संकेत होता है। कोई थाली टूट गई हो, प्लेट टूट गई हो, कटोरी टूट गई हो, तो टूटे फूटे बर्तन को फेंक देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग अपने बेड बिस्तर पर ही बैठती लेते हैं और वहीं पर ही वो नाश्ता भी खाते पीते हैं, कुछ लोग तो उसे बैठ करके भोजन भी करते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी डबल बेड पे या सिंगल बेड के गादी के ऊपर बैठ करके भोजन करता है, तो यह मान करके चलो कि वह अपनी बीमारियों को बुला रहा है। मल मूत्र का वेग होने पर, यानी पेशाब लगी हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। कलह के माहौल में भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक जहां शोर हो रहा हो, आवाज आ रही हो, वहां भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए और वृक्ष के नीचे बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। और जो भोजन आपको आ जाता है अपने सामने, उसका कभी भी अपमान या निंदा नहीं करनी चाहिए। अब यहां पे फिर रहस्यमय ज्ञान आता है कि मनुष्य को घर में जब क्लेह हो जाए, कलश हो जाए, अशांति हो जाए, तो भोजन नहीं खाना चाहिए।
माहौल घर का शांत होने पर भोजन करना चाहिए। इससे यह फर्क पड़ता है कि यदि घर में आप भोजन नहीं करेंगे, घर के मालिक हैं, तो हो सकता है आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी भोजन नहीं करें, तो वो एक तरीके से घर में अशांति करेंगे ही नहीं। इसलिए भी ये नियम बनाया गया है। और पीपल के वृक्ष के नीचे, वटवृक्ष के नीचे बैठकर के भी भोजन नहीं करते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष के नीचे प्रेतों का वास होता है। वटवृक्ष के नीचे भी प्रेतों का वास होता है, चुड़ैलन का होता है, जिन जिन्नात का होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे और वटवृक्ष के नीचे छाया में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और कभी किसी मजबूरीवश करना पड़ गया तो पहले आप अपनी थाली में भोजन ले लें और उस थाली में से पांच कोर, पांच गत्से सब सामान का थोड़ा थोड़ा निकाल करके नीचे जमीन पर रख देना चाहिए, वहां पर बैठी हुई आत्माओं के नाम से। उसके बाद भोजन करें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अन्यथा यदि आपने पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन कर लिया और आपने वहां पर रहने वाली अदृश्य आत्माओं के लिए भोजन नहीं निकाला है, तो वो निश्चित तौर से आपके ऊपर ऊपरी बाधा अवश्य चिपक जाती है। और जो भोजन आपके पास आ जाता है, उस भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन करने से पूर्व अन्न देवता माँ अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उसका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवाने नमो नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवाने नमो नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र को याद कर लेता है और रोजाना कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इस मंत्र को जप करता है, तो उसके जीवन में कभी भी अन्नपूर्णा माँ की कमी नहीं होगी। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः। तो भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाना चाहिए। नौकर चाकर से भोजन नहीं बनवाना चाहिए। और सबसे पहले जब रोटी बनती है तो 3 रोटियां अलग निकाल देना चाहिए, एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए और एक रोटी कौओं के लिए या चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए निकाल देना चाहिए। फिर अग्नि देव का भोग लगा करके ही घर वालों को भोजन खिलाना चाहिए। इससे घर में बीमारियां नहीं आती है। अब सभी व्यक्ति नोट कर लें कि यदि किसी के घर में बीमारी हो तो वो बीमारी का कारण अब आपको आज शायद समझ में आ गया होगा कि रोजाना घर में जो सुबह पहले रोटी बनती है उसमें से 3 रोटी, पहली रोटी, दूसरी रोटी और तीसरी रोटी को अलग निकाल करके रख देना चाहिए। और जैसे ही समय मिले आपको एक एक रोटी, एक गाय की रोटी, एक कुत्ते की रोटी, एक पशु पक्षियों की रोटी, ये 3 रोटी देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। या फिर गाय का सूखा गोबर जला लें और जो 4थी रोटी है उसमें घी शक्कर लगा करके 1-2 कौर उस गाय के सूखे गोबर को जला लें, उसके ऊपर डाल दें, उसके बाद ही घर परिवार वालों को भोजन देना चाहिए। इससे बीमारियां नहीं आएगी। और अभी तक बीमारियां आ गई है, मान लो यदि किसी परिवार के सदस्य को ऐसी बीमारी लग गई है, तो उनके ऊपर से रोटी को तेल लगा के, सरसों का तेल लगा करके उतार उतार हर रोटी 7 बार उतारें और गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को खिलाते रहें, तो निश्चित तौर से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब जितने दिन तक आपने रोटी नहीं खिलाई उतने दिन की रोटी गिन लें। जैसे मान लो 1 साल से आपने गाय को रोटी नहीं दी, 1 साल से आपने कुत्ते को रोटी नहीं दी, 1 साल से आपने पशु पक्षियों के लिए रोटी नहीं निकाली, यानी 365 रोटी एक एक के लिए होती है, यानी कि 3 गुणा कर लीजिए, 365 गुणी 3 लगा लो, तो 3 थिया 900,
और 150 और लगा लो, यानी 1050 रोटी आपको बनाना है और गाय को, कुत्तों को और पक्षियों को खिलाना है। उनके ऊपर से हर रोटी को सात सात बार उतार करके खिला दें, निश्चित तौर से उनकी बीमारी में फायदा होगा। इसीलिए कहते हैं कि गाय को, कुत्ते को और उनको रोटी खिलाना चाहिए, ये हमारे उसमें शास्त्र में लिखा हुआ है। तो भोजन बनाने वाला व्यक्ति जो है वो शुद्ध स्वच्छ मंत्र से मंत्र जप करते हुए उनको रोटी बनाना चाहिए और फिर इन रोटियों को अग्नि देव को भी अर्पित करें। ईर्ष्या, भय से, क्रोध से, लोभ से, रोग, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। ईर्ष्या से भोजन नहीं खाना चाहिए, भय से भोजन नहीं खाना चाहिए, क्रोध आ रहा हो तब भोजन नहीं खाना चाहिए, यदि लोभ है तो भोजन नहीं खाना चाहिए, कोई बीमारी दुखी है, रोग है तो भोजन नहीं खाना चाहिए। और आधा खाए हुआ फल, मिठाइयां ये पुनः दोबारा से नहीं खानी चाहिए, ये गाय कुत्ते के लिए छोड़ देनी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए या तो खाना खाने बैठ गए तो जब तक पूरा खाना नहीं खा लें उठना नहीं है, और यदि आप खाना छोड़ करके एक बार उठ गए तो दोबारा से आपको उस भोजन को ग्रहण नहीं करना है। भोजन करते समय आपको मौन व्रत धारण करके रखना है, भोजन को 32 बार चबा चबा करके खाना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि जो पत्नी बच्चों वाला मनुष्य है उसे 32 ग्रास से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा भोजन करोगे तो निश्चित तौर से आपको रोग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो रोग से बचना हो यदि आपको, तो एक गृहस्थ व्यक्ति को 32 ग्रास से ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए। और सबसे पहले हर मनुष्य को मीठा भोजन खाना चाहिए, फिर नमकीन खाना चाहिए, और सबसे आखिरी में कड़वा भोजन, यानी करेले वगैरह जो भी सब्जी बनती, कड़वी मेथी दाने की वगैरह की, ये सब्जी सबसे आखिरी में खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार चीज खाना चाहिए, बीच में गरिष्ठ भोजन खाना चाहिए, और अंत में कोई भी लिक्विड पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। जिस जगह ढिंढोरा पीट पीट करके भोजन खिलाया जाता हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, जहां पर ढिंढोरा पीट पीट करके भोजन खिलाते हैं वहां पे आपको भोजन नहीं खाना है, और कुत्ते का छुआ हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए, और कुत्ता पालते हैं तो घर के बाहर पालना चाहिए। तो कुत्ते का छुआ हुआ, सूंघा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री के हाथ से परोसा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री को भी भोजन नहीं बनाना चाहिए और नहीं परोसना चाहिए। तो मासिक धर्म से युक्त स्त्री को भोजन बनाना 100% प्रतिबंध है, और उसको परोसना भी प्रतिबंध है, चाहे वह नवरात्रि में कन्याओं के लिए भी भोजन नहीं बना सकती, और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के लिए भी भोजन नहीं बना सकती जब तक कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाती, यानी 5 दिन तक भोजन बनाने के लिए योग्य नहीं मानी जाती है। 6वें दिन सिर धोकर के रजस्वला स्त्री, यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री को भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध का निकला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, मुंह से फूंक मार करके ठंडा किया गया भोजन नहीं खाना चाहिए, बाल गिरा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, अनादर युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे बीमारियां आती हैं। कंजूस का, राजा का, वेश्या के हाथ का बना हुआ, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भोजन के बहुत सारे नियम हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, आप इनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगली कहानी में हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी को भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका कारण हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या,
माँ भगवती आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।